के साहित्य संहार गई है, क्योंकि उन्होंने साहित्य को अपने दोनों कंधों पर ये अभ्युदय सेवा संस्थान द्वारा पिछले 4 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें युवाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य की उर्वरा धरती उन्नाव यहाँ कई वर्षों से देख रहे थे युवाओं की भागीदारी बहुत कम हो रही थी, संसाधनों के अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ रही थी। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि युवाओं को भी आगे बढ़ाएं। हाँ, वरिष्ठ साहित्यकारों के संरक्षण में, उनकी सघन छाँव में ये युवा आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश ही नहीं देश में नाम रोशन किया है इन लोगों ने। कई ऐसे युवा हैं जो देश के कई प्रदेशों में पढ़ चुके हैं। ये 5वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो अभ्युदय सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है, हमारे राम भैया जो संस्था में संरक्षक हैं, अजय भैया जिनकी हमेशा हम लोगों को सपोर्ट रहता है, पवन भाई और ओपी तिवारी भैया, इन लोगों से हम लोगों ने चर्चा की तो ये हुआ कि साहित्य सेवक जिन्होंने साहित्य की बहुत सेवा की है उन्नाव में, दोनों कंधों पे साहित्य की पालकी अपने लेकर के चलने वाले श्रद्धेय अतुल मिश्र जी को हम लोगों ने ये कार्यक्रम समर्पित किया है, इसीलिए हमने इसका जो शीर्षक है वो अतुलनीय रखा है। इस कार्यक्रम में हम लोग कवियों के साथ साथ महान विभूतियां हैं जो यहाँ की उन्नाव की, जिनके अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विधिक क्षेत्र में, या युवा व्यापारी जो संघर्ष करके आज एक मुकाम पर है, उन लोगों को सम्मानित करने का हमेशा प्रयास करते हैं। इस बार भी इसी तरीके की 7 प्रतिभाओं को हम लोग सम्मानित करेंगे। कवियों में सरिता शर्मा, डॉक्टर सरिता शर्मा दिल्ली से, मनवीर माधुर जी हमारे बीच, जो ओज का एक युवा स्वर है जो विदेश तक उसकी गूंज हुंकार गई है। इसी के साथ साथ राधे श्याम भारती जी, हास्य के दमदार बनारसी, श्याम त्रिवेदी पंकज जो कि हरदोई से हैं और ये ओज का एक बहुत प्यारा स्वर है वो। इसी के साथ साथ उन्नाव के युवा हमारे अनिरुद्ध भाई जो कि संचालन करते हैं, हमारी संस्था के सचिव भी हैं, वो संचालन की कमान संभालेंगे। युवा चेहरों में हमारे डॉक्टर विनय तिवारी विनीत जी हैं। इसी के साथ साथ इस वर्ष हम लोगों ने तय किया है युवा के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकारों को भी जोड़ करके एक एक करके मंच देते हुए आगे बढ़ाएं, उनकी सघन छाँव में चीज़ें और पल्लवित होंगी। हमारी इस पूरे कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने तय किया था कार्यक्रम चाहे जो हो, अगर साहित्यिक अनुष्ठान हमारा है तो उसकी अध्यक्षता हमारे अखिलेश अवस्थी जी करेंगे, तो उसी तरह ये अध्यक्षता इस बार